आज की दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ ने रेप पर बेतुका बयान दिया है। अखिलेश सरकार का बचाव करते हुए गौड़ ने कहा कि सरकार रेप रोक ही नहीं सकती। बीजेपी भले ही उत्तर प्रदेश में बढ़ते बलात्कार पर हमलावर हो, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में गृह मंत्री बाबूलाल गौड़, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का बचाव करने पर उतर आए। सुनिए बाबूलाल कौर ने क्या कहा। मुलायम सिंह जी या अवलेश जी या ये क्या करेंगे बेचारे। कृति है मनुष्य की, कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाए पकड़ लें उसको। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना हो इसके लिए, हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, वो तो एकांत में होता है। अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते। बाबूलाल गौर ने साफ साफ कह दिया कि सरकार के लिए रेप को रोकना असंभव है। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं को अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाने की नसीहत भी दे डाली। तो कहना है महिलाओं को थोड़ा उनके अंदर स्पोर्ट्समैन लाइफ होना चाहिए, यानी कि वो कौन से कहते हैं जूडो कराटे भी खेलना चाहिए। अगर मैं कमजोर हूँ और मैं इस प्रकार का रहूंगा और मेरे ही जो जीवन है सुरक्षित नहीं है, तो मैं अपना जीवन कैसे सुरक्षित रखूंगा। ये तो आप व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की सोच है जिसने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। गौर के बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने सफाई दी, लेकिन ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। बाबूलाल गौर जी का जो बयान मैंने मीडिया में देखा है, मुझे लगता है उनके बयान को ट्विस्ट करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रवैया मैंने आपके सामने रखा है और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता जो भी कहें, लेकिन गौर का बयान आपत्तिजनक है। हैरानी इस बात की है कि जिस अखिलेश और मुलायम का बचाव गौर ने किया, वही अखिलेश और मुलायम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बीजेपी सरकारों में रेप की घटनाओं पर सवाल उठाते हैं। सरस्वती चंद्र, भोपाल, इंडिया न्यूज। बाबूलाल गौर के बयान पर महिला संगठनों और राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बाबूलाल गौर कहें या मुलायम सिंह यादव कहें या अखिलेश यादव कहें, सब राजनीतिक जो क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है, उसको इस समय संजीदगी से बैठकर सोचना चाहिए कि आखिर लड़कियां हर घर में हैं, बहुएं हैं, हर घर की बेटियां हैं, तो ये क्या करना है उनको। अगर इसी तरह से चलाना है देश को, इसी तरह से रेप दुनिया में रेप कैपिटल कह रहे हैं हिंदुस्तान को, ये कोई हमारे लिए इज्जत की बात है। बाबूलाल गौर जी कहते हैं कि रेप के लिए महिलाओं को तैयार होना चाहिए, जूडो कराटे सीखने चाहिए, और रेपिस्ट बोल के नहीं जाता, वो साफ तौर पे अपनी असंवेदनशीलता को बता रहे हैं कि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कितनी असंवेदनशील है महिला रेप्स को लेके या महिला अत्याचार को लेके। महिलाओं की इस तरह की टिप्पणी करना बाबूलाल गौर को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो उनके घर में भी बहु बेटियां हैं और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उनके शासनकाल में या जब से वो गृह मंत्री बने हैं, जब से लगातार हमारी बहु बेटियों की इज्जत उछाली जा रही है।